हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22 एवं 23 श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले श्लोकों में भगवान ने त्रय धर्म का पालन करने वाले वैदिक सकाम कर्म को करने वाले देवताओं के उपासकों के बारे में बताया। उनकी गति आवागमन की बनी रहती है, यद्यपि वे स्वर्गिक सुख को प्राप्त करते हैं लेकिन इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। इन श्लोकों में भगवान जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं उनका क्या गंतव्य है, वे किस गति को प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। अनन्यास चिंतयंतो माम, अनन्य न अन्य, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। श्री नारद मुनि अपने नारद भक्ति सूत्र में अनन्यता की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, अन्य आश्रयाणाम त्यागो, जिसने अन्य समस्त आश्रय को त्याग दिया है, किसी देवता का आश्रय नहीं लिया, किसी धार्मिक अनुष्ठान का आश्रय नहीं लिया, जिसने एकमात्र श्री कृष्ण का ही का आश्रय लिया है, श्री कृष्ण की शरण ली है, ऐसे व्यक्ति को या भक्त को अनन्य भक्त कहते हैं। तो अनन्यास चिंतयंतो, चिंतन करते हुए माम, स्पष्ट है यहाँ पर श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं कि जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, ये मीन्स जो जना मीन्स भक्त या व्यक्ति, पर्युपासते यानी कि भली भांति मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, यानी कि भली भांति करने का आशय क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिन्होंने अन्य तथा कथित समस्त धर्मों का परित्याग करके जिन्होंने एक्सक्लूसिवली केवल और केवल विशिष्ट रूप से श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण की है, ऐसे भक्तों को अनन्य भक्त कहते हैं। तो अनन्यास चिंतयंतो माम जे जना पर्युपासते, तो भगवान कहते तेसाम यानी वैसे भक्तों को, तेसाम नित्य अभियुक्ताना, जो ऐसे नित्य ही भगवान के सेवा में युक्त हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, योग यानी कि जो उन्हें अप्राप्त है वो मैं उन्हें देता प्रदान करता हूँ, यानी जो उनके पास नहीं है वे सुविधाएं मैं उन्हें देता हूँ। कैसे देते हैं, जैसे एक परिवार में एक छोटा सा शिशु है तो माता पिता ये अपेक्षा नहीं करते कि ये छोटा बच्चा बहुत कुछ करे हमारे लिए, स्वाभाविक रूप से ही माता पिता हर प्रकार के जो उसकी आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति करते हैं।
तो भगवान स्वेच्छापूर्वक प्रसन्न चित्त होकर सहज ही ऐसे भक्तों के जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं भगवान जुटाते हैं। साथ ही साथ क्षेम, क्षेम कहते हैं रक्षा करने को, यानी जो प्राप्त हो चुका है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वहामी वहन करता हूँ, अहम मैं। कभी कभी यह श्लोक सुनकर ऐसा लगता है कि क्या जो त्रिलोकेश्वर हैं, जिनके इशारे से संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, जिनके इशारे से कितने सारे देवी देवता सक्रिय हो जाते हैं, क्या ऐसे भगवान को स्वयं वहन करना पड़ता है? लेकिन भगवान कहते हैं हाँ, यही प्रेम की कसौटी है। प्रेम करने वाला व्यक्ति स्वयं उसकी सेवा करना चाहता है। जैसे हमने कृष्ण लीला में देखा कैसे माँ यशोदा के पास हजारों नौकरानियाँ थी, लेकिन फिर भी कृष्ण के लिए वे स्वयं दूध निकालती थी, श्री कृष्ण के लिए ऐसे मक्खन निकालती थी, वे स्वयं सेवा करना चाहती थी। तो प्रेम निर्भर होने के कारण तो ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योग क्षेमम वहामि अहम, मैं वहन करता हूँ। वहन कहते हैं भार ढोने को, यानी ऐसे भक्तों की आवश्यकताओं का ठेका भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। यानी ऐसे भक्तों को किसी देवी देवता के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, तभी तो वे अनन्य भक्त हैं। एक कथा प्रचलित है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कि एक सही घटना है ये कि एक अर्जुन मिश्र नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण थे। तो उनका दैनिक कार्यक्रम था कि प्रातःकालीन जप कीर्तन संध्या करने के बाद प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करते और उसके ऊपर टीकाएँ लिखते थे, और टीकाएँ लिखने के बाद दोपहर में भिक्षाटन के लिए जाते और जो भी उन्हें प्राप्त होता तो वो अपनी पत्नी को देते और पत्नी से रसोई तैयार करती थी, फिर भगवान को निवेदित किया जाता, फिर भोग लगाने के बाद या स्नान ध्यान करके उसको ग्रहण करते। ये प्रतिदिन का उनका नियम था। तो टीका लिखते लिखते जब वे इस श्लोक पर आए तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। प्रथम लाइन तो ठीक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना परिउपासते, लेकिन जब द्वितीय लाइन उन्होंने पढ़ा तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि अहम, उन्हें लगा कि ये लगता है ये भगवान की उक्ति नहीं हो सकती है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, भगवान क्यों वहन करेंगे, यहाँ होना चाहिए ददामि वहम, भगवान प्रदान करने वाले हैं, किसी के द्वारा सुविधाएं जुटाने वाले हों, भगवान कहते मैं स्वयं, ये तो अतिशयोक्ति हो गई। तो उन्हें समझ में नहीं आया, इस बुद्धि को जितना सुलझाने का प्रयास करते उतना उलझते चले गए। फिर वो उन्होंने उस श्लोक की टीका को वहीं रोक दिया और उन्होंने पेन से ऐसे वहाँ पे ऐसे तीन लाइन खींच दिया, जैसे मानो कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, और छोड़कर भिक्षाटन के लिए चले गए। और इधर एक सुंदर सा बालक आया उनके अनुपस्थिति में, उनके घर में दरिद्रता थी लेकिन संतुष्ट रहते थे। कहते हैं कि एक या दो धोती थी उनके घर में, वही धोती वो जब बाहर जाते तो पहन कर जाते थे, और एक धोती उनकी स्त्री पहनती थी, फटे चिटे कपड़े पहनते थे, इतनी दरिद्रता थी। एनीवे वो बालक आया बहुत सारा सामान लेकर, चावल आटा दाल और दूध शक्कर और भी कई प्रकार की चीज़ें, और इतना राशन लेकर आया कि 6 महीने के लिए पर्याप्त था वो। तो माता जी ने पूछा कि ये किसने भेजा, तो उन्होंने कहा कि आपके ही पति देव ने भेजा है, ए ब्राह्मण देव ने भेजा है, मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन माता जी ने देखा कि सुंदर बालक है लेकिन उसके पीठ पे ऐसे डंडे की मार का चिन्ह है, निशान पड़ा हुआ है और लाल लाल ऐसे। उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे ऊपर किसने प्रहार किया? बोला कि ये आपके ही पति देव ने किया है, और मुझे आने में देरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाते हो या नहीं, तो ऐसा अभी आप ये रखो सामान और मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा, मुझे घर में बहुत काम है। तो इस प्रकार देखकर वो चले गए, चला गया बालक। और इधर भिक्षाटन करके लौटे जगन्नाथ में अर्जुन मिश्र, तो बड़े उदास थे कि उनको उस दिन भिक्षाटन में कुछ भी नहीं मिला, और पत्नी ने इधर रसोई अच्छा से बना कर रखा। तो पत्नी ने पूछा आप उदास क्यों दिख रहे हैं? बोले कि आज कुछ मिला नहीं।
बोले आपने ही तो भिजवाया था, इतना सारा सामान आया है, 6 महीने के लिए राशन पर्याप्त है और आप कहते हैं। बोले कौन आया था? तुमने पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें फिर अनुभव हुआ, अगर तो स्वयं भगवान ही आए थे तो भगवान वहन करते हैं, तो उनका संशय दूर हो गया और फिर जाकर वो आनंद से भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। फिर उन्होंने देखा जाकर कि जहाँ उन्होंने काटा था वो मिटा दिया गया था अपने आप। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है जब भगवान कहते हैं कि मैं अपने ऊपर भार वहन करता हूँ ऐसे भक्तों का। पर आवश्यकता क्या है? अनन्य भक्ति करने की। सरकारी भक्ति करने से हम ये भगवान के ऊपर जिम्मेवारी नहीं डाल सकते हैं कि भगवान हमारी नौकरी क्यों नहीं लग रही, और भी कई प्रकार के लोगों की आकांक्षाएँ होती हैं। एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, श्रील प्रभुपाद हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा जब हम मंदिर जाते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब तुम मंदिर जाते हो तो जब तुम कृष्ण तुमसे पूछें कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो इसका उत्तर यदि तुम्हारे पास है तो समझना कि तुम प्रगति कर रहे हो। यानी हमेशा यह होना चाहिए कि हमने कुछ कर रहे हैं श्री कृष्ण के लिए, कोई ना कोई सेवा। लेकिन सामान्यतः लोगों के मन में शिकायत होती है, वे जाते हैं मंदिर में और पूछते हैं आपने मेरे लिए क्या किया, भगवान से उल्टा वो कुछ मांगते हैं। तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का अर्थ है मां रोबी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। हे भगवान, आप चाहे तो मारें या आप हमारी रक्षा करें, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपका पूर्ण अधिकार है, आप जिस परिस्थिति में रखना चाहें आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो यह तो बात हुई अनन्य भक्ति करने की। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देवताओं की ही भक्ति करते हैं, यानी कि उनके हृदय में कामनाएँ होती हैं। कामस्तस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो उन देवताओं की जो भक्ति करने वाले हैं उनकी क्या गति है? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जे अपि अन्य देवता भक्ता, यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय, यजन्ते अविधिपूर्वकम्, ये अपि अन्य देवता भक्ता, यजन्ते श्रद्धयान्विता, ते अपि मामेव कौन्तेय, यजन्ते अविधिपूर्वकम्, ये अपि अन्य देवता भक्त्या। ये मीन्स जो, अपि मीन्स भी, जे अपि अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के जो उपासक हैं, जो उनके पूजक हैं, यजन्ते पूजन करते हैं, श्रद्धा यान्विता श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं के जो पूजक हैं, ते अपि मामेव कौन्तेय, वे भी, ते मीन्स वे पूजक, अपि मीन्स भी, ते अपि मामेव कौन्तेय, हे कुंती नंदन वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। यानी देवताओं के पूजा करने वाले भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन यजन्ते अविधिपूर्वकम्, वो यजन करते हैं पर कैसे करते हैं? अविधिपूर्वकम्, गलत ढंग से करते हैं, त्रुटिपूर्ण तरीके से करते हैं। क्योंकि यद्यपि इतनी श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं की उपासना करते हैं, जो फल मिलता है वो 2 कौड़ी का क्षणिक फल प्राप्त होता है, स्वर्ग में जाते हैं फिर पतन होता है और आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। तो यद्यपि उनकी पूजा जाती है भगवान के पास, भगवान है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह हेड ऑफिस, अब कुछ भी करोगे जाएगा वहीं पे, लेकिन फल वहाँ भगवान का फल नहीं मिलता। फल मिलता है आपको जिस भावना से युक्त होकर आपने जिस देवी देवता की पूजा किया है उसका फल प्राप्त होता है। तो देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं माने जाते, उनको अल्प मेधसाम कहा गया है शास्त्रों में, भगवद गीता में 7वें अध्याय में। तो ऐसे लोगों की तुलना श्रील प्रभुपाद करते हैं, ये अधिकारियों को घूस देने के समान है। तो कोई व्यक्ति यदि अवैध तरीके से किसी सरकारी अधिकारी को घूस देता है तो दोनों ही अधिक मतलब दोषी हैं,
एक तो घूस देने वाला और एक घूस लेने वाला। साथ ही कहते हैं ये अविधि पूर्वकम क्यों है, क्योंकि वृक्ष की जड़ में पानी देना सही विधि है सिंचाई करने का, न कि पत्तियों को और टहनियों को और फूलों को और फलों पर, यानी पेड़ के ऊपर चढ़कर पानी देना एक एक, ये तो गलत तरीका है, साथ में खतरा भी है, गिरने का डर है ऊपर से। एक तो पानी भी देने से कोई लाभ नहीं है। अब कोई ये नहीं समझ सकता कैसे हम पानी नीचे डालते हैं और पानी ऊपर जाता है, पर जाता है। उसी प्रकार भगवान संपूर्ण जगत के केंद्र बिंदु होने के कारण सभी को चाहिए कि जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, सब भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। लेकिन कम बुद्धि होने के कारण लोग देवताओं की उपासना करते हैं। एक अन्य उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे भोजन पेट में पहुंचाया जाता है, हाथ को अलग से और पैर को और सिर को अलग से भोजन पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, पेट में भोजन पहुंचता है फिर वहां से पूरे शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति न्यौछावर करता है तो उसके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं देवी देवता स्वतः पूरी कर देते हैं। ऐसा ही है जैसे मानो कोई व्यक्ति जेल में राजा को भूलकर, और जो राजा के जो प्रतिनिधि हैं जेलर है सिपाही है उनकी सेवा में लग गया, लेकिन चूंकि ये सिपाही और ये जेलर 100% राजा की भक्ति नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी सिपाही की खुशामद क्यों ना करो, जेलर की भी खुशामद क्यों ना करो, वो आपको रिहा नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक क्या बेनिफिट मिलेगा कि सबको हो सकता है कतारबद्ध होकर भोजन मिले और आपको बिना लाइन में लगे मिल जाए, हो सकता है कि सबको कठिन दिन में परिश्रम करना पड़ता हो और ज़्यादा आपका संबंध सिपाही और जेलर से रहा तो आप घंटा दो घंटा विश्राम करने को सुविधा दे दें। लेकिन जेल से तभी आप मुक्त हो पाओगे जब आपके कार्यों से वास्तव में राजा प्रसन्न हो। तो भक्ति करना यानी कि परम श्रेष्ठ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनको प्रसन्न करना। तो माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरंतिते, तो जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं जिनके कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वे इस आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा करने वाले चाहे कितनी भी श्रद्धा क्यों न रखें उनको क्षणिक सुख ही प्राप्त हो पाता है, क्योंकि स्वयं देवता भी इस भौतिक लोक के वासी हैं, उनका लोक नष्ट हो जाता है तो जो सुविधाएँ देंगे तो नष्ट होगी ही होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वो देवी देवताओं की शरण ग्रहण ना करके भगवान की शरण ग्रहण करे, क्योंकि भगवान प्रॉमिस करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ठेका मैं लेता हूँ। ग्रंथ राज श्रीमद्भगवद्गीता की, शील प्रभुपाद की जय।